जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं माय बिग यूट्यूब चैनल। और आज के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो जो कि एक साधारण सा डिस्कशन है MI A3 यूज़र के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, हाल ही में जो MI A3 ने किया, लोगों को एंड्रॉयड 11 देने दो दिया, लेकिन साथ में उन्होंने बहुत सारे बग दे दिए, जिससे बहुत सारे लोगों के फ़ोन डेड हुए, बहुत सारे लोगों के टच काम नहीं कर रहे थे। हमें भी पता था कि इससे प्रॉब्लम आई है, उसके बाद भी हमने एक वीडियो बनाया। हमें पता था लगभग कि हमारा वीडियो कुछ लोगों के काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने लाइव करके दिखाया कि हमारा फ़ोन किस तरीके से डेड हुआ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप भी अगर ऐसे ही अपडेट करने वाले हैं तो इस तरीके से आपका फ़ोन डेड हो सकता है। वो वीडियो अगर आपने नहीं दिखा है तो आप हमारे आई बटन में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ हम आपके लिए लेके आए थे, ताकि आपको पता चल सके कि आप भी अपडेट करने की सोच रहे थे, तो आप भी अपडेट करते समय ये ध्यान रखें। ये जो अपडेट था, फर्स्ट टाइम अपडेट आया था, उस समय बहुत सारे लोगों के फ़ोन डेड हुए थे, हमने उस समय अपडेट नहीं किया था। सेकेंड टाइम जब अपडेट आया था तब हमने अपडेट किया। यहाँ पे खबर कुछ ऐसी भी थी, कुछ लोगों के फ़ोन ठीक ठाक काम भी करने लगे थे, लेकिन कुछ फ़ोन लोगों के फ़ोन का टच काम नहीं कर रहा था, और वही हमारे साथ हुआ। उसके बाद हमने एक और वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, जहाँ पर हमने MI A3 को डाउनग्रेड करने की कोशिश की। उस पूरे प्रोसेस में हमारा फ़ोन कम्प्लीटली डेड हो चुका था। हमने सोचा कि उसके बूट अनलोडर करके उस फ़ोन में कोई प्रीवियस इमेज या TWRP रिकवरी इंस्टॉल करके कोई और दूसरी इमेज इंस्टॉल करें, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। वहाँ पे कम्प्लीटली फ़ोन डाउन हो गया था। उसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, सिर्फ इसके कि हमें सर्विस सेंटर जाना पड़े। तो यहाँ पर हमने सर्विस सेंटर का सहारा लिया, सर्च किया अपने नियर बाई सर्विस सेंटर, और वहाँ पर हम अपने फ़ोन को ले गए। वहाँ हमने इस सर्विस सेंटर के अधिकारी से बात की, तब उन्होंने बताया हमें कि ये फ़ोन जो किसी बग्स के कारण, जो उन्होंने एक जल्दी में MI ने कुछ अपडेट निकाले थे, कोई बग रह गया था, पूरी तरीके से टेस्टिंग नहीं हो पाई थी, इसकी वजह से ये फ़ोन में प्रॉब्लम आई बहुत सारे लोगों को। और जिनके फ़ोन अंडर वारंटी है उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो साथ में जिनके फ़ोन अंडर वारंटी नहीं है, मतलब वारंटी एक्सपायर हो चुकी है, उनके फ़ोन को भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट करके देंगे। ये हमने वहाँ पे कंफर्म किया, उन्होंने हमें कंफर्म करके बताया कि ऐसा नहीं है कि जिनके फ़ोन वारंटी में उनको ही, अदरवाइज कोई सा भी फ़ोन हो, अपडेट्स करते समय अगर वो डेड हुआ है तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देंगे। यहाँ पे हमने उनसे डिस्कशन किया, तो उन्होंने बताया ये सॉफ्टवेयर के जरिए नहीं होता है, इसका बैक पैनल है वो हीट करके इसको निकाला जाता है, उन्होंने प्रोसेस बताया। उसके बाद उसको पता नहीं किस तरीके से करते हैं, वो तो उनका अंदर जो लैब थी उसके अंदर किया, बट उन्होंने इतना बता दिया था कि इसको हीट करके उसकी पीक बैक पैनल को ओपन करेंगे, उसके बाद अपग्रेड करेंगे। तो करीबन आधे पौन घंटे में हमें ये फ़ोन मिल गया था रिपेयर, मतलब अपग्रेड होकर, और वहाँ पर उन्होंने एंड्रॉयड 11 डाल के दिया, जो कि बिल्ड नंबर 12.0.3 पर काम कर रहा है। फ़ोन में इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने उनसे ये भी बात की कि अब आने वाले टाइम में हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अभी आने वाले टाइम में कोई अपडेट नहीं आएगा इसका। अब ये तो नहीं समझ में आया कि कोई अपडेट नहीं आएगा, क्योंकि OTA अपडेट तो आते रहते हैं, जो सिक्योरिटी पैच होते हैं हर महीने आते हैं, बट पता नहीं वो सर्विस सेंटर ने ये बात बोली कि वो नहीं, अभी अब कोई इसके अपडेट नहीं आएंगे। तो हो सकता है मे बी उनको पता हो जाना कि इनकी अब आने वाले कुछ टाइम पर अभी इसके अपडेट हो सकता ना आए, क्योंकि कंपनी जो MI कंपनी है, उन्होंने जो A सीरीज है फ़ोन आने बंद कर दिए हैं, नेक्स्ट बनाने, वो अब कम्प्लीटली MIUI पर ध्यान दे रहे हैं, और वहीं पर वो अपने फ़ोनों में लेकर आ भी रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले फ़ोन में आपको एंड्रॉयड का जो वन एंड्रॉयड है वो अब आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये जनरल डिस्कशन, कमेंट करके बताइए आप लोगों ने अपडेट किया या नहीं किया, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई, आपको कुछ सवाल या सुझाव हो सकते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। जिन लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे उन लोगों के नाम हम अगले वीडियो में बताएंगे कि किन लोगों ने हमें ये क्या क्या कमेंट किए। और यदि आप भी यूट्यूबर हैं और आप हमें कमेंट करते हैं, तो आपका भी इससे कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर भी जानेंगे कि आप यूट्यूबर हैं और आपके चैनल पर वो विजिट करेंगे। तो आप अपने कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आपके यूट्यूबर हो तो आपको हम और अपने जो हमारे देखने वाले हैं उनको बोलेंगे कि आपका चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ एक जानकारी थी, नॉर्मल डिस्कशन था,
कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी आज की, लेकिन इनॉग्रल डिस्कशन भी कभी कभी होना चाहिए, जिससे आपके और हमारे बीच जो कम्युनिकेशन होता है MI A3 फ़ोन को लेकर हो या किसी और फ़ोन को लेकर हो, कम्युनिकेशन होता रहना चाहिए। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिली होगी। लाइक जरूर कीजिए वीडियो को अच्छा लगा हो तो। ऐसी और एक अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारी और अच्छे वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।